नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर वित्त आयोग एवं सांसद विधायक निधि से ग्राम पंचायतों में लगने वाली स्ट्रीट लाइटों में लाखों रुपए के हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आज शिव सैनिकों ने जिला पंचायत सीईओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शिवसेना जिला प्रमुख दीपक सिंह लोधी ने केसरी जनपद, बंडा जनपद, जैसी नगर जनपद और देवरी जनपद में अधिकारी, सरपंच और सचिव की मिली भगत से लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है और पूछा है कि 70,000 से 1,00,000 में लगने वाली लाइटों का भुगतान लाखों रुपए में कैसे हो जाता है, जबकि इन स्ट्रीट लाइटों की क्वालिटी बेहद घटिया है और वर्तमान में बंद भी हो चुकी है। कई ऐसे गाँव है जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई है और अधिकारियों द्वारा बिलों का भुगतान कर दिया गया है। शिव सैनिकों ने कहा है कि यदि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो शिवसेना कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंप कर उग्र आंदोलन के लिए विवश हो जाएगी। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। आज जो आपने ज्ञापन दिया है ये किस संबंध में है? आज हमने ये ज्ञापन जिला पंचायत सीईओ के नाम ग्राम पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में दिया। जनपद पंचायतों में बंडा जनपद पंचायत बंडा, देवरी, केसरी और जैसी नगर जैसी ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइटों का लाखों रुपये का भ्रष्टाचार था। यह लाइटें वित्त आयोग और सांसद विधायक निधि से स्वीकृत हुई थी। महज 40,000 से लेकर 70,000 के बीचों की लाइटें लगी हुई हैं, जिनका इन्होंने लाखों रुपये का, 4-4 लाख रुपये का बिल भुगतान कराया है। तो इसमें साफ भ्रष्टाचार नज़र आ रहा था और कई ग्राम पंचायतें तो ऐसी भी हैं जहाँ पर लाइटें लगी नहीं हुई हैं, फिर भी उनके बाद ग्राम पंचायतों में लाइटों का बिल भुगतान किया गया है। वहाँ शिवसेना संगठन ने सीईओ से मांग की है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई की और ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच से लेकर ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिना अधिकारी और सरपंच सचिव के यह भ्रष्टाचार संभव नहीं था। इसलिए सेना संगठन मांग करता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ताकि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगे और अगर इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो सेना का यह आंदोलन निरंतर जारी है। सागर जिले में कुल 11 जनपद हैं, जिसके अंतर्गत 755 ग्राम पंचायत आती हैं। अभी विभिन्न ग्राम पंचायत जो कि 4 जनपद में है, सागर, जैसी नगर, बंडा, देवरी, इनके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत, उनके जनमानस ने और निवासियों ने हमसे संपर्क किया और बताया कि हमारे यहाँ ऐसे प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं, स्ट्रीट लाइटों के टेंडर हुए हैं जिसका ठेकेदार ने लगाया है और अगर लगाया है तो जल्द से जल्द खराब हो गई, लाखों रुपये के भुगतान हुए। जब यह जानकारी लेने के लिए हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में आवेदन किया तो वह जानकारी देने से हिचकिचा रहे थे एवं किसी न किसी माध्यम से हमसे संपर्क किया गया कि यह जानकारी आपको क्यों चाहिए है, या वह जानकारी ना देने से हिचक रहे थे, जिस पर से हमने आगे कार्रवाई की है। अगर जल्द से जल्द यह हमारी कार्रवाई के लिए जाँच जिला पंचायत द्वारा नहीं की जाती है और इन ठेकेदार, अधिकारी एवं सरपंच, सचिव पर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसेना उग्र आंदोलन करेगी। अभी तो